हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम में अगर आपका पेटीएम का पेमेंट बैंक अकाउंट बंद हो गया तो आप कैसे उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं और कैसे उस बैलेंस को आप कहीं भी बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं या आप अपना वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, काफी सारा वीडियो मेरा पेटीएम रिलेटेड मेरे चैनल पे अपलोड है, तो वहां पे मुझे काफी सारा फ्रेंड लोग ने मैसेज किया है कि हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, चाहे रीजन कुछ भी हो। तो हम कैसे पता करें कि हमारा बैलेंस उसमें कितना था और जो भी बैलेंस है हम उसको यूज कैसे करें या उस बैलेंस को कैसे उड्रिल करें, तो इसके बारे में एक वीडियो बने हैं। तो आप लोग के लिए वीडियो है, तो वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है और आपका कुछ मनी उसमें फंसा पड़ा है और आप उसका विड्रॉल करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा कि कैसे आप, इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं और कैसे उस बैलेंस को आप अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पा जाए और आप वीडियो पहले देख सके। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मेरा पेटीएम का अकाउंट है और ये मेरा पेटीएम पेमेंट बंद हो चुका है। मैं यहाँ पर जब पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं पासकोड एंटर करूंगा तो आपको दिखा दूं। यहाँ पर अभी जब भी पासकोड एंटर करता हूँ ये पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन नहीं हुआ, ये अभी केवाईसी में चला जा रहा है, यानी मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो चुका है। कोई का रीजन है क्या यह हम बाद में बात करेंगे, मगर ये अभी बंद हो चुका है। अगर आपका भी इस तरह बंद हो चुका है और आप उसका बैलेंस चेक करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए पूरा ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। पूरा वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, आपको फिर ये पूरा समझ आएगा कि कैसे ट्रांसफर करना है और कैसे चेक करना है। तो बात आता है, पहले हम चेक कर कैसे करें कि हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक बैलेंस कितना था, क्योंकि हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक तो बंद हो चुका है। जब भी हम उसमें ओपन करने के लिए कोशिश करें ये तो बैक हो रहा है, ये तो केवाईसी को मांग रहा है, तो अभी हम कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने का प्रोसेस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो चेक करने के लिए आपको पेटीएम का होम पेज बैलेंस एंड हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जब ये बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे पेटीएम का जितना भी अकाउंट है, वॉलेट हो, बैंक अकाउंट हो या गोल्ड अकाउंट हो या फ्यूल वॉलेट हो, आपको यहाँ पर सारा नजर आएगा। देखिए, मेरा पेटीएम है तो पेटीएम में अभी पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो ये यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट लिंक है वो है, और पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, और आपको पास ये भी काफी सारा ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, पोस्ट पेटीएम पोस्ट पेड है, यहाँ पर पेटीएम गोल्ड है, फास्टैग है, काफी सारा ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक का बैलेंस, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का बैलेंस देखिए, हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर बैलेंस चेक आ गया। अगर आपको ऐसे बैलेंस नहीं आ रहा है तो आपको पेटीएम बैलेंस एंड हिस्ट्री को ओपन करिए। जब भी बैलेंस एंड हिस्ट्री को ओपन करें तो डायरेक्टली आपका जो बैंक अकाउंट चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंस दिखाई देगा। देखिए, मेरा बैलेंस दिख रहा है 59 रुपीज, यानी मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक में 50 रुपीज बैलेंस है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, कोई भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं या मैं मेरा वॉलेट को भी वॉलेट में ऐड कर सकता हूं। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसफर करने की, बात कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप वॉलेट में ऐड करने का प्रोसेस भी बताऊंगा, अगर किसी को वॉलेट में ऐड करना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपना पेटीएम वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। मगर अभी काफी सारा फ्रेंड का यही कमेंट था कि कैसे बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक पेटीएम बिजनेस आपकी जरूरत पड़ेगा और पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए, मेरे पास एक पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड है, ये मेरा पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड है, अभी हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो थोड़ा चलिए बैक, जब भी ब्याज चलेंगे स्कैन एंड पे का ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपके पास पेटीएम में बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आप वॉलेट में भी ऐड कर सकते हैं इजीली। अगर आपको वॉलेट में ऐड करना नहीं पता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिए, मैं पूरा वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपना वॉलेट में भी ऐड कर सकते हैं। तो मगर ज्यादा कमेंट यही था कि बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए, तो हम क्या करें स्कैन एंड पे करेंगे। वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, यहाँ पे आपको ट्रिक यूज करना है कुछ, तो हम क्या करते हैं क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। जब भी मैं क्यूआर कोड को स्कैन कर लूंगा तो थोड़ा सा देखिए, क्यूआर कोड स्कैन कर लूंगा तो मेरा नाम, जो भी हमारा बिजनेस नाम आ चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 59 था, अभी मैं 10 रुपीज ही ऐड करता हूँ क्योंकि मुझे ये भी बताने आपको कि वॉलेट में कैसे ऐड करना है, तो कुछ बैलेंस रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट है, पेटीएम बैलेंस है और पेटीएम पेमेंट बैंक, तो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक को चूज करना है। जब ये पेटीएम पेमेंट बैंक को चूज करें तो वहां पर आपका बैलेंस आ गया, तो मैं थोड़ा सा पास ला के दिखा दूं, यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है आपका, अभी बैलेंस दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी ट्रांसफर करेंगे, तो मुझे 10 रुपीज करना है, आपको मैं क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, यहाँ पर 10 रुपीज कर लिया, उसके बाद पे नाउ पे करता हूँ। जब भी मैं पे नाउ का करूंगा और यहाँ पर पासकोड एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा पेमेंट ट्रांसफर हो गया। अभी देखते हैं ट्रांसफर हो रहा है, अभी ट्रांसफर हो गया, अभी मैं बैलेंस चेक करूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैं बैलेंस भी आपको दिखा दूं क्योंकि आपको डाउट नहीं होगा कि ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो चलिए हम बैलेंस चेक करते हैं, सिंपल सी प्रोसेस है, बैलेंस एंड हिस्ट्री पे जाएंगे। जब भी हम बैलेंस एंड हिस्ट्री पे जाएंगे आपको दिखा दूं,
यहाँ पर चेक बैलेंस में अभी 49 रुपीज है, मैं पहले 59 रुपीज था, अभी 49 रुपीज है। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया और उसमें बैलेंस बढ़े, आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस से आप अपना बैंक अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो। देखिए पेटीएम बारे में हो या और कोई भी एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ भी ज्यादा जानकारी चाहिए होगा, बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, उस रिलेटेड में पूरा वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पा जाए और आप वीडियो पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई बात और कुछ नई जानकारी लेकर।